कवि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, वियोग अवस्था में है। वे कह रहे हैं कि कर यत्न, यत्न का अर्थ यहाँ प्रयत्न से लगाया जा रहा है कि सभी ने प्रयत्न किए, मिटे का अर्थ व्यर्थ, लेकिन वे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। सभी ने प्रयत्न व्यर्थ हो गए जाना, और प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जहां भी आता है अधिकांश जगह उसका अर्थ नकारात्मक ग्रहण किया जाता है, तो हम भी यहां नकारात्मक अर्थ ग्रहण करेंगे। सत्य किसी ने भी नहीं जाना, सभी ने प्रयत्न किए लेकिन वे सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए, सत्य तो किसी ने भी नहीं जाना। अर्थात यहां यदि प्रश्न बनता है कि सभी ने प्रयत्न क्यों किए, किसके लिए किए, तो हम बता सकते हैं सत्य को जानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए, सत्य का साक्षात्कार करने के लिए। सभी ने प्रयत्न किए, वे सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए, सत्य किसी ने भी नहीं जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना, दाना का अर्थ यहां भोजन सामग्री से लगाया गया है, भोजन सामग्री। नादान का अर्थ नाप समझ होता है, लेकिन हम नादान को नादान ही कहेंगे क्योंकि प्रश्न जब भी बनेगा उसमें नादान शब्द ही लिखा होगा। नादान वही है हाय जहां पर दाना, कवि ने यहां पर नादान कौन होता है, किसे कहा है, बताया है कि जहां पर भोजन सामग्री हो नादान वहीं पर रहते हैं। अर्थात नादान भोजन सामग्री प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं, अर्थात अपनी स्वार्थ सिद्धि में ही लगे रहते हैं। जो केवल भोजन सामग्री प्राप्त करने में लगे रहें, जो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, उन्हें कवि ने नादान कहा है कि नादान वही है जो केवल भोजन सामग्री प्राप्त करने में लगे रहते हैं, अर्थात अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख, और यहां कवि ने मूर्ख के बारे में बताया है, जग यानी संसार, जो इस संसार में रहकर भी, यहां सीखे और प्रश्नवाचक चिन्ह है तो नहीं सीखता है, नकारात्मक अर्थ ग्रहण करेंगे, जो इस संसार में रहकर भी सांसारिक ज्ञान नहीं सीखता है, जो इस संसार में रहकर भी सांसारिक ज्ञान नहीं सीखता है वह मूर्ख है, कवि ने उसे मूर्ख कहा है। यहां से प्रश्न बनता है कि कवि ने नादान और मूर्ख किसे कहा है, तो हम बता सकते हैं जो केवल भोजन सामग्री प्राप्त करने में लगे रहते हैं, जो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में ही लगे रहते हैं वे नादान हैं, और जो इस संसार में रहकर भी सांसारिक ज्ञान नहीं सीखते हैं वे मूर्ख हैं। कवि कह रहे हैं मैं सीख रहा हूं, जो ऊपर बात हुई थी सांसारिक ज्ञान की, कवि कह रहे हैं कि मैं उस सांसारिक ज्ञान को सीख रहा हूं, और सीखा हुआ जो व्यर्थ ज्ञान है उसे भुला रहा हूं। मैंने जब मैं परिवार के साथ रहता था, पत्नी के साथ रहता था, उस समय मुझे जो सांसारिकता चाहिए थी, सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता थी, मैंने सीख लिया था। अब पत्नी की मृत्यु हो गई है और कुछ ज्ञान ऐसा भी था जो मैंने उस समय सीखा था, लेकिन मेरे लिए अब वह व्यर्थ हो चुका है, ऐसे व्यर्थ ज्ञान को मैं भुला रहा हूँ। मैं सांसारिक ज्ञान सीख भी रहा हूँ, अब मुझे इस संसार में समय व्यतीत करने के लिए जो ज्ञान चाहिए उसे तो मैं सीख रहा हूँ, लेकिन जो मेरा सीखा हुआ पहले का ज्ञान था अब व्यर्थ हो गया है, उसे मैं भुला रहा हूँ। यहाँ देखिए
मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखा ज्ञान भुला रहा हूँ। यहाँ सीख रहा हूँ भी कह रहे हैं और भुला रहा हूँ भी कह रहे हैं, तो यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। इस चतुर्थ पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। मैं और जग और, यहाँ पर यदि देखें तो और शब्द तीन बार प्रयुक्त हुआ है और तीनों ही बार अर्थ इनका अलग अलग है। मैं और का अर्थ यहाँ कवि से लगाया गया है। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं तो एक कवि हूँ। और ये योजक शब्द है, योजक पद है। जग और, यहाँ और का अर्थ है स्वार्थ। और शब्द तीन बार प्रयुक्त हुआ है, तीनों बार और शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहले और का शब्द है कवि, दूसरे और का अर्थ यहाँ योजक शब्द है, और तीसरा जो और शब्द है इसका अर्थ है स्वार्थ। तो और शब्द तीन बार प्रयुक्त हुआ है और तीनों ही बार अर्थ अलग अलग निकला है, तो ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में यमक अलंकार है। अर्थ करते हैं, कवि कह रहे हैं कि मैं एक कवि हूं और इस संसार में स्वार्थ भरा हुआ है। मैं एक कवि हूं, निस्वार्थ भाव से कविताएं बनाता हूं और जनता को प्रेरित करता हूं, लोगों को प्रेरित करता हूं, लेकिन इस संसार में देखता हूं तो स्वार्थ भरा है। सभी लोग स्वार्थवश ही कोई कार्य करते हैं, तो मैं एक कवि हूं, निस्वार्थ भाव से कविताओं का सृजन करता हूं, इस संसार में देखता हूं तो स्वार्थ भरा हुआ है, इसलिए कहां का नाता, नाता यानी संबंध, इसलिए मेरे और संसार के बीच कोई संबंध ही नहीं है। यहां से भी प्रश्न बनता है कि कवि इस संसार से कोई नाता या संबंध क्यों नहीं रखना चाहता है, तो हम कह सकते हैं कि कवि निस्वार्थ भाव से प्रेरित लोगों को कर रहे हैं, जबकि संसार में स्वार्थ भरा हुआ है, इसलिए कवि इस संसार से कोई संबंध ही नहीं रखना चाहते। मैं एक कवि हूँ और इस संसार में स्वार्थ भरा हुआ है, इसलिए मेरे और इस संसार के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। मैं बना बना, यहां देखो पद की पुनरावृत्ति है, लगातार पुनरावृत्ति है और अर्थ समान है। ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कितने जग रोज मिटाता, रोज यानी प्रतिदिन, कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी कल्पना से प्रतिदिन कितने ही संसार बना लेता हूं। मैं प्रतिदिन अपनी कल्पना से कितने ही संसार बना लेता हूं, और फिर कह रहे हैं मिटाता, मिटाता का अर्थ है नष्ट करना। और असंतुष्ट होने पर उन्हें नष्ट कर देता हूं। कवि ने जैसी कल्पना की वैसी कविता वैसा संसार नहीं बना, तो कवि उसे नष्ट कर देते हैं। तो एक तरफ कह रहे हैं बनाता हूं और उसी पंक्ति के अंत में कह रहे हैं नष्ट कर देता हूं। जब दो विरोधी बातें होती है तो विरोधाभास अलंकार होता है। यहां इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश और विरोधाभास दो अलंकारों का प्रयोग है। मैं अपनी कल्पना से प्रतिदिन कितने ही संसार बना लेता हूं और असंतुष्ट होने पर उन्हें नष्ट कर देता हूं। जिस पृथ्वी पर, जग का अर्थ यहां लोगों से लगाया गया है, जिस पृथ्वी पर लोग
वैभव यानी धन संपदा, जिस पृथ्वी पर लोग धन संपदा जोड़ने में ही लगे रहते हैं, मैं प्रतिपग प्रत्येक कदम मैं प्रत्येक कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, कवि अपने प्रत्येक कदम से पृथ्वी को क्यों ठुकराते हैं? क्योंकि इस पृथ्वी पर लोग धन संपदा जोड़ने में ही लगे रहते हैं, इसलिए ऐसी पृथ्वी को ही हमारे कवि ठुकराते हैं। जिस पृथ्वी पर लोग धन संपदा जोड़ने में ही लगे रहते हैं, मैं प्रत्येक कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। रोदन का मतलब होता है रोना, और राग का अर्थ है अनुराग या प्रेम। एक तरफ कवि कह रहे हैं कि मैं तो रो रहा हूं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं तो प्रेम लेकर घूम रहा हूं, तो यहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। कवि रो क्यों रहे हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि पत्नी के वियोग में पीड़ित होकर। मैं अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, कह रहे हैं मैं पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, फिर भी प्रेम लेकर अनुराग लेकर उसके सहारे से इस संसार में घूम रहा हूं। शीतल वाणी, कवि ने अपनी वाणी को शीतल बताया है कि मेरी वाणी तो शीतल है, मैं लोगों के सामने तो मधुरता से शीतलता से वार्तालाप करता हूं, लेकिन आग, आग यहां बताया हृदय में, और आग है वियोग को, आग कहा है वियोग रूपी आग, यहां शीतलता और अग्नि, यहां भी विरोधाभास अलंकार है। कवि कह रहे हैं कि मेरी वाणी तो शीतल है, लेकिन हृदय में वियोग रूपी अग्नि जल रही है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। मधुरता से शीतलता से मैं वार्तालाप करता हूं लोगों के साथ तो, लेकिन वास्तव में मेरे हृदय के अंदर वियोग रूपी अग्नि जल रही है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूपों का अर्थ है राजाओं, भूप राजा को कहते हैं, प्रासाद यानी महल, और निछावर यानी न्योछावर। यहां कवि अपने हृदय की बात कर रहे हैं कि मेरा हृदय ऐसा था जिस पर राजाओं के महल भी न्योछावर हो जाते थे, अर्थात मैं अपने हृदय से अपने मन से जब कोई कविता बनाता था और राजा को सुना देता था, तो राजा इतने खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे कि पूरा महल ही न्योछावर कर देते थे, ऐसा मेरा हृदय था। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय पर तो राजाओं के महल भी न्योछावर हो जाते थे, लेकिन आज मेरा वही हृदय एक खंडहर के समान हो गया है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। कवि ने अपने हृदय को ही खंडहर बता दिया है। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि कवि ने अपने हृदय को खंडहर क्यों बताया है? तो हम कह सकते हैं कि कवि की पत्नी की मृत्यु हो गई है, और उनकी मृत्यु के बाद वियोग अवस्था में कवि बहुत पीड़ित हो गए हैं, और उसी पीड़ा से इनका हृदय बहुत दुखी हो गया है, कष्टमय हो गया है, इसलिए इन्होंने कह दिया है कि मेरा तो हृदय एक खंडहर के समान हो गया है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। कवि कह रहे हैं कि मैं तो पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, रोता रहता हूं। तुम का अर्थ यहां लोगों से लगाया गया है,
फिर भी इसे लोग गाना कहते हैं। मैं पत्नी के वियोग में रोता हूँ, इसे लोग गाना कहते हैं। मैं फूट पड़ा, यहाँ हृदय से शब्द निकलने की बात है। यहाँ फूट पड़ने का मतलब रोना नहीं है, हृदय से शब्दों का निकलना। और मेरे हृदय से शब्द निकलते हैं तो लोग छंद बनाना कहते हैं। जब मैं पत्नी के वियोग में रोता हूँ तो लोग इसे गाना कहते हैं, और जब मेरे हृदय से शब्द निकलते हैं तो लोग इसे छंद बनाना कहते हैं। मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना, अर्थात प्रेम दीवाना, मैं इस संसार का एक नया प्रेम दीवाना हूँ, फिर भी लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपनाते हैं। कवि ये कह रहे हैं कि मैं तो इस दुनिया में एक नया प्रेम दीवाना हूँ, फिर भी लोग, इस संसार के लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपनाते हैं। यहाँ हरिवंश राय बच्चन अपने आप को कवि कहलाना पसंद नहीं करते कि संसार के लोग मुझे कवि क्यों कहकर अपनाते हैं। कवि यहाँ पर अपने आप को कवि कहलाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं, प्रश्न बनता है, क्योंकि कवि अपने आप को एक प्रेम दीवाना मानते हैं और ये कहते हैं कि पत्नी के वियोग के कारण, उस दीवानेपन के कारण ही मेरे हृदय से शब्द निकल जाते हैं, अपने आप स्वतः ही छंदों का निर्माण हो जाता है, कविता का सृजन हो जाता है, और ये सब कुछ मेरे दीवानेपन के कारण हो रहा है, इसलिए मैं तो एक दीवाना हूँ, मैं एक कवि नहीं हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं प्रेम दीवानों का वेश लेकर घूम रहा हूँ। मादकता, वही प्रेम की। निःशेष यानी संपूर्ण। कवि कह रहे हैं कि मेरे संपूर्ण हृदय में प्रेम की मादकता भरी हुई है। मैं प्रेम दीवानों का वेश लेकर घूम रहा हूँ, मेरे संपूर्ण हृदय में प्रेम की मादकता भरी हुई है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूँ। मैं एक मस्ती का संदेश, हालाबाद में संदेश मस्ती का है, मैं एक मस्ती का संदेश लेकर घूम रहा हूँ, जिसे सुनकर इस संसार के लोग झूमते हैं, उठते हैं और लहराते हैं, अर्थात नाचते हैं। झूमना, उठना और लहराने का अर्थ हुआ नाचना। मैं प्रेम दीवानों का वेश लेकर घूम रहा हूँ, मेरे संपूर्ण हृदय में प्रेम की मादकता भरी है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूँ। मैं एक मस्ती का संदेश लेकर घूम रहा हूँ, जिसे सुनकर संसार के लोग झूमते हैं, उड़ते हैं, लहराते हैं, अर्थात लगते हैं। थैंक यू।